How are you guys doing? I hope आप सभी अच्छे होंगे. This is your English educator Kaushal and I welcome every one of you to the amazing platform of CUET Wala. So पिछले session में हमने tenses के बारे में सीखा था, right? कुछ topics जो है हमारे previous session में cover हो गए थे, कुछ जो है बाकी रहते हैं. So आज इस session में हम उन topics को cover करने वाले हैं. So without any further ado, let's get started. Start करते हैं अपने इस session को. So सबसे पहले जान लेते हैं what are the things that we are going to cover in our session. So क्या क्या topic आज हम cover करने वाले हैं. सबसे पहले तो we are going to have a quick recap हम लेंगे कि हमने previous session में क्या क्या सीखा है उसके बारे में. Next we will discuss the rules for different types of sentences. हमारा जो है last topic end हुआ था कि जो different types of sentences होते हैं उनके क्या rule है उनके ऊपर, right? तो जानेंगे कि जो different types of sentences क्या होते हैं. पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या होते हैं different types of sentences और उनके particular क्या क्या जो है rule होने वाले हैं उनके बारे में भी जानेंगे. उसके अलावा जो most important part है आपके इस topic का, that is the important rules for perfect tenses. So perfect tenses के कुछ important rules हैं, उनके बारे में भी आज हम discuss करेंगे. Plus we are going to discuss और वी कैन से हम कुछ जो है प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस को, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिले कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके आते हैं. सो एज यू गाइस नो कि हम टेंसेस सीख रहे हैं, तो टेंसेस के बारे में हमने प्रीवियस सेशन में ये जाना कि टेंसेस बेसिकली होते क्या हैं. जैसे कि आपकी और मेरी बात हो रही है कि कोई भी एक्शन मैंने अगर किया या मैंने किसी को करते हुए देखा, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ. फॉर से मैं बोल रही हूँ कि मैंने कल एक चैप्टर पढ़ा था, राइट? तो जिस मोमेंट पर मैं किसी भी एक्शन के बारे में बता रही हूँ, उसके टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए मैं डिफरेंट वर्ब्स का यूज़ करूँगी. अब जैसे कि एक चैप्टर पढ़ना इज़ अ टास्क, राइट? अब अगर एक मैं बोलूँ कि मैंने चैप्टर पढ़ा था, एक मैं कह रही हूँ पढ़ा है और एक है मैं पढ़ूंगी, राइट? तो तीनों में जो क्या है डिफरेंस है, राइट? लास्ट के कुछ वर्ड्स का यहाँ पर डिफरेंस आया. अगर इंग्लिश लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में अगर मैं सेंटेंसेस को फ्रेम करूँ तो हो गया आई वॉज स्टडिंग, ठीक है? प्रेजेंट में हो गया आई एम स्टडिंग, फ्यूचर में क्या होगा आई विल बी स्टडिंग, राइट? यहाँ पर स्टडी करना जो है और सब्जेक्ट जो है वो सेम रहा मेरा, राइट? डिफरेंस किस चीज़ का आया, वर्ब का आया. तो वर्ब्स की मदद से जो है हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एक्शन को या इवेंट के टाइम को जो है डिस्क्राइब करने के लिए हम वर्ब्स का यूज़ करते हैं, और वही चीज़ जो है आपकी टेंसेस होती है, ठीक है? सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. लास्ट हमने जो सेशन है उनमें हमने क्या क्या कवर किया था. सबसे पहले तो हमने जाना था वर्ड ऑफ ऑर्डर के बारे में, राइट? तो हमारा जो वर्ड ऑफ ऑर्डर होता है, इसी के ही बेसिस पर आपके सारे टेंसेस के रूल बनते हैं, राइट? हमने यही जाना था वर्ड ऑफ ऑर्डर के बेसिस पर ही जो है आपके सभी टेंसेस के, जो आपके 12 नंबर ऑफ टेंसेस हैं, उनके रूल फ्रेम होते हैं, ठीक है? और ये वर्ड ऑफ ऑर्डर आपका क्या होता है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये जो है आपका क्या है, दैट इज योर वर्ड ऑफ ऑर्डर. तो ये अगर आपको पता है तो आपको सारे रूल्स जो है टेंसेस के पता है, राइट? इसके अलावा हमने एक और चीज सीखी थी. हमने क्या सीखा था कि टेंसेस जो होते हैं, ठीक है, उसके दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं. टेंसेस के दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या आपको वो याद है? क्या आपको याद है कि टेंसेस के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? दो फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पर जो है आपके सारे टेंसेस आते हैं, ठीक है? पहला फैक्टर मैं आपको बता देती हूँ. पहला फैक्टर होता है आपका टाइप्स, राइट? वी डिस्कस्ड कि जो टेंसेस होते हैं उनके टाइप्स भी होते हैं, राइट? और कितने टाइप्स आपके होते हैं? टाइप्स होते हैं दो तरह के, दैट इज योर सिंपल पास्ट, राइट? सिंपल पास्ट होता है एक, और क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट, राइट? ये आपके दो
टाइप से. अब आ जाते हैं दूसरी चीज पर. दूसरी चीज आपकी क्या थी? दैट वॉज योर एस्पेक्ट्स. ठीक है, तो दो एस्पेक्ट्स होते हैं. दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द 12 नंबर ऑफ टेंसेस. ठीक है, तो पहला कौन सा है एस्पेक्ट आपका? जान लेते हैं एस्पेक्ट्स कितने हैं. पहला है आपका कॉन्टिन्यूस. ठीक है, कॉन्टिन्यूस एक आपका एस्पेक्ट है. और दूसरा क्या है? परफेक्ट. राइट, तो ये जो है दो चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है टेंसेस के लिए. राइट, तो टेंसेस आए ही किन से है? इन दोनों चीजों से है. ठीक है, तो ये आपके एस्पेक्ट्स होते हैं. अब सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट आप सभी समझते हो. कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? कॉन्टिन्यूस मतलब जैसे कि मैंने बताया था कॉन्टिन्यूस वर्ड में ही कॉन्टिन्यूटी यानी कि समथिंग इज इन प्रोग्रेस. सो व्हेन एन एक्शन, जब कोई एक्शन किस में हो? प्रोग्रेस में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट कॉन्टिन्यूस. वहां पर हम कॉन्टिन्यूस का टेंस लगाते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ, तो यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, बट टास्क क्या है? कॉन्टिन्यूटी में है, एंड नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ. एक है पढ़ रही थी, पढ़ रही होंगी. राइट, दोनों क्या है? कॉन्टिन्यूस है. तो आपको अगर ऐसा कोई एक्शन डिस्क्राइब करना है जो कॉन्टिन्यूटी में है, किसी भी पर्टिकुलर फेज का हो, चाहे पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, वहां पर आप कॉन्टिन्यूस का रूल लगाते हैं. राइट, नेक्स्ट वी हैव इज परफेक्ट. परफेक्ट जो है किस चीज को दिखाता है? एंड ऑफ एन एक्शन. जब कोई एक्शन एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, जैसे कि हो गया आई हैव डन माई वर्क, मेरा काम हो गया. कब हुआ? अभी हुआ. दैट्स द रीजन वाई मैंने हैव का यूज किया. अगर पास्ट में होता तो मैं हैड का यूज करती. अगर फ्यूचर में कोई टास्क मेरा खत्म होगा, ठीक है, जब कोई टास्क खत्म होगा तो उसके लिए मैं किसका यूज करूंगी? परफेक्ट का यूज करूंगी. ठीक है, विल हैव डन जो है वहां पर यूज किया जाएगा. ठीक है, तो परफेक्ट का ये है. अब इन्हीं से जो है हमारे पास चार आए, सिंपल पास्ट एंड सिंपल प्रेजेंट. देखिए, सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट जो है दोनों किस चीज को दर्शाती है, किस चीज के लिए यूज की जाती है? हैबिट्स के लिए या डेली रूटीन की चीजों के लिए. ठीक है, किसके लिए यूज होता है? डेली रूटीन की चीजें, चाहे वो पास्ट की हो या प्रेजेंट की हो. ठीक है, राइट, एंड हैबिट्स के लिए जो है ये यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल. वो स्कूल जाती थी, डेली जाती थी, अब नहीं जाती, तो वो पास्ट का हो गया रूटीन. राइट, तो रूटीन एंड हैबिट्स के लिए आप किसका यूज करते हैं? सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट का. राइट, कॉन्टिन्यूस का किस लिए यूज करते हैं? जब कॉन्टिन्यूटी होती है. परफेक्ट का कब यूज करते हैं? जब कोई टास्क खत्म होता है किसी पर्टिकुलर टाइम फेज में. ठीक है, तो वहां पर परफेक्ट हुआ. अब नेक्स्ट आपका आ जाता है क्या? नेक्स्ट है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप ध्यान से इसे सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आपको बड़ा ही आसान लगेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखिए क्या है, नाम में ही जो है इनका आप देखेंगे नेचर है. ठीक है, नाम में ही नेचर इनका बसा हुआ है. राइट, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में देखिए क्या होता है, दोनों कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट में कोई भी एक्शन, ठीक है, प्रोग्रेस में है ये पता होता है, एंड होता है ये पता होता है, बट कब शुरू हुआ ये नहीं पता. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं गाना गा रही हूँ. ठीक है, तो गाना गा रही हूँ इज व्हाट कॉन्टिन्यूटी बता रहे. बट एक क्वेश्चन है कि कब से मैं गाना गा रही हूँ, ये तो नहीं पता ना. तो जब कोई एक्शन आपको पता चलता है जो कॉन्टिन्यूटी में है किसी भी फेज में, और उसका जो है आपको स्टार्ट वो कब हुआ उसके बारे में भी आपको पता होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक देखिए सेंटेंस है आपका, मैं गाना गा रही हूँ. ठीक है, एक है मैं एक घंटे से गाना गा रही हूँ. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है. फर्स्ट सेंटेंस में कब टास्क स्टार्ट हुआ नहीं पता, सेकंड में जो है टास्क कब स्टार्ट हुआ इसके बारे में हमें पता चल जाता है. राइट, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपका जो है कहाँ यूज किया जाता है? आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस है वो उस सिचुएशन में यूज किया जाता है जब कोई एक्शन जो है किस में है, ठीक है, प्रोग्रेस में है. किस में है? प्रोग्रेस में है, कॉन्टिन्यूटी में है. राइट, और आपको स्टार्ट जो है वो कब हुआ उसका टाइम भी आपको पता होता है.
राइट. और टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, वी यूज सिंस एंड फॉर, राइट. हम सिंस एंड फॉर का यूज करते हैं. सिंस एंड फॉर के बारे में मैंने आपको बताया, सिंस जो वर्ड है आपका, ठीक है, सिंस इज यूज्ड फॉर सिंस जो है आपका किस किस लिए यूज किया जाता है, जब आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बता रहे हो, ठीक है, आपको पता हो कि वो एग्जैक्टली कब शुरू हुआ, ठीक है. और फॉर किस लिए यूज किया जाता है, जब आपको ड्यूरेशन पता होती है किसी भी चीज की, ठीक है. जैसे कि 2 घंटे इस ड्यूरेशन, 11 AM हुआ तो वो क्या हुआ, आपका पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, ठीक है. तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप क्या यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं. फॉर जो है ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है. तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि नाम में जो है सब बसा है, राइट. कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है आप कॉन्टिन्यूअस का मेन वर्ब यूज करते हैं, ठीक है. आपका मेन वर्ब किसका रहेगा, कॉन्टिन्यूअस का. यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, जहां पर भी कोई भी टेंस हो, कॉन्टिन्यूअस वर्ड अगर आपको दिख जाए उसमें, तो आपको आंख बंद करके V4 वहां पर लगाना है, यानी कि वर्ब प्लस ING लगाना है, राइट. और परफेक्ट में क्या होगा, देखिए परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब जो है किसका यूज होगा, परफेक्ट का होगा, राइट. वर्ब्स के बारे में जो है, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि वर्ब्स जो है आपकी 2 तरीके की होती हैं. कौन कौन सी, एक होता है मेन वर्ब जो एक्शन को, एक्चुअल एक्शन को डिस्क्राइब करती है, और हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब को एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती है. जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर हो गया, हैज, हैव, हैड हो गया, ये सब जो है किसके लिए यूज की जाती है, दैट इज टू हेल्प द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है. तो अपने आप को जो है अच्छे से वो एक्सप्रेस कर सके, यानी कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो, इसके लिए जो है आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है. तो टेंसेस के जो है हमने समझ लिया, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट. टेंसेस जो है डेली रूटीन की हैबिट्स के लिए यूज किया जाता है. कॉन्टिन्यूस का जो है किसी भी तरह के एक्शन का आपको प्रोग्रेस अगर दिखाना होता है, ठीक है. मैं इसको थोड़ा सा जो है और क्लियरली लिख देती हूँ कि कोई भी एक्शन प्रोग्रेस में है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूस. और कोई भी एक्शन वो एंड हो गया है, कंप्लीट हो गया है, उसके लिए आप यूज़ करते हैं परफेक्ट का. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, आपका कोई भी एक्शन प्रोग्रेस में होता है और आपको पता होता है कि वो प्रोग्रेस में कब से है, ठीक है, कितने टाइम से, कितने समय से जो है वो प्रोग्रेस में है, चल रहा है, उसके लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ किया जाता है, ठीक है. आगे चलते हैं, रूल्स फॉर द अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. अब हमने जो है अपने जितने भी रूल्स किए हैं, दीज आर फॉर द असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है. तो जान लेते हैं एक बार कि सेंटेंसेस बेसिकली होते क्या है. सेंटेंसेस देखिए, कुछ भी आप फ्रेम कर रहे हैं, सेंटेंसेस जो है किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको बात करनी है, राइट, सो वी फ्रेम सेंटेंसेस फॉर दैट, राइट. कोई भी बात अगर आपको करनी है तो एक सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं. फर से हिंदी में अलग आपका सेंटेंस होता है, इंग्लिश में आपके अलग सेंटेंस होते हैं, राइट. एंड दीज सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स. ये सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं आपके, 4 तरह के होते हैं. तो जान लेते हैं कौन कौन से हैं. पहला आपका होता है एजर्टिव, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगी आपको कि एजर्टिव सेंटेंस क्या होता है. नेक्स्ट होता है आपका नेगेटिव, नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव, देन है आपका नेगेटिव. ये मान लेना नेगेटिव लिखा है, ठीक है, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. तो असर्टिव सेंटेंस आपके देखिए क्या होते हैं. असर्टिव सेंटेंस इज नथिंग जो आपका जो आपके सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं,
ठीक है, जो आप सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि आई एम गोइंग, आई एम लर्निंग, ही प्लेस, दे सिंग एंड ऑल, ये सब क्या है? असर्टिव सेंटेंसेस है. ठीक है, बेसिकली अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, सो दीज आर व्हाट, दीज आर द स्टेटमेंट्स. ठीक है, और आपके जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो सभी किस पर एंड होते हैं? दे एंड विद अ फुल स्टॉप. ठीक है, फुल स्टॉप का यूज होता है इसमें. क्लियर? नेक्स्ट है आपका नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है आपका, एक तो फुल स्टॉप वाले सेंटेंसेस होते हैं, दीज आर ऑल्सो लाइक स्टेटमेंट्स, बट दे इंक्लूड द वर्ड, दे इंक्लूड नॉट. ठीक है, नॉट का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग. दूसरा अब इसका नेगेटिव क्या होगा? आई एम नॉट प्लेइंग. क्लियर? नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, जैसे कि ही इज सिंगिंग, इज ही सिंगिंग, व्हाट इज ही सिंगिंग, ये क्या है आपका? दिस इज अ क्वेश्चन, राइट? और ये जो है किससे एंड होते हैं? आपका क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट है नेगेटिव इंटरोगेटिव. नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या है? नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग. ठीक है, ये तो क्या हुआ आपका? असर्टिव सेंटेंस हुआ. नेक्स्ट है आपका नेगेटिव, ही इज नॉट प्लेइंग. ठीक है, इंटरोगेटिव, व्हाट इज ही प्लेइंग या फिर इज ही प्लेइंग. ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव इंटरोगेटिव. नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होता है? आप नॉट वर्ड का यूज करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन भी है और नॉट भी है. तो इज ही नॉट प्लेइंग, ये क्या हुआ? दिस इज योर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस. तो इसमें क्या होता है? इसमें क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन के अंदर जो है आप नॉट का यूज करते हैं. एंड अगेन, ये जो है एंड किस पर होते हैं? द एंड विद क्वेश्चन मार्क. तो ये किस पर एंड होते हैं? आपके क्वेश्चन मार्क पर एंड होते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. तो रूल जान लेते हैं इन सब के. तो असर्टिव सेंटेंस का जो हमने अभी तक रूल समझा है, ठीक है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका होता है, राइट? बट उसे भी जो है फर्दर अगर हम एक्सपैंड करें, क्योंकि वर्ब जो है आपके कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. ठीक है, तो आपका जो रूल है वो क्या होता है? दैट इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो सेंटेंस एक बार जो है हम लिख लेते हैं. सब्जेक्ट जैसे कि हुआ आई. ठीक है, अब यहां पर मैं लगा रही हूं हेल्पिंग वर्ब एम. ठीक है, तो एम इज एम आर इन के साथ में क्या होता है? वर्ब प्लस आई एन जी. ठीक है, तो प्लेइंग, ठीक है, एंड फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट हुआ. एज सिंपल एज दैट, राइट? ये आपका सेंटेंस फ्रेम हो गया. तो जितने भी जो आपके असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो इस वाले रूल को फॉलो करते हैं. आगे चलते हैं नेगेटिव. अब नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव के केस में आप जो है नॉट वर्ड का यूज करते हैं, राइट? जैसे कि मैंने आपको बताया. तो एक बार जो है हम हमारा जो प्रीवियस हमने सेंटेंस लिखा है उसको लिख लेते हैं. आई एम, ठीक है, प्लेइंग फुटबॉल. ठीक है, ये आपका क्या था? असर्टिव सेंटेंस है. अब असर्टिव सेंटेंस को अगर आपको पूछा जाए कि आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो आप देखिए कैसे करेंगे. आप नॉट का यूज करेंगे फॉर श्योर, आपको पता है. बट कहाँ पर आप यूज करेंगे? जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में और मेन वर्ब के पहले, यानी कि यहाँ पर जो है आपका नॉट आना चाहिए, राइट? सो आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ये आपका सेंटेंस है. ठीक है, तो ये एक सेंटेंस बन गया. तो दैट इज हाउ यू ट्रांसफॉर्म योर नेगेटिव सेंटेंस इंटू, सॉरी, असर्टिव सेंटेंस इंटू नेगेटिव सेंटेंस. अब ऐसे जो है आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से रिलेटेड भी जो है काफ़ी क्वेश्चंस आपके CUET 2023 में देखने को मिले थे. एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी आर लर्निंग दीज. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? तो एग्जाम्पल से जो है इस चीज़ को हम समझ लेते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है? हम अपना प्रीवियस जो हमने सेंटेंस बनाया, दैट इज आई एम
आई एम प्लेइंग फुटबॉल, राइट. यही हमारा जो है असर्टिव सेंटेंस है, राइट. इसके अलावा फिर हमने जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाया, दैट इज आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, राइट. ये बना आपका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है. अब आ जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पर. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है दो तरीके से बनते हैं. पहला हम फर्स्ट वाला समझ लेते हैं कैसे, ठीक. सेंटेंस बोला है आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो इसमें देखिए क्या होता है. इस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, आपको याद होगा जो हमारा अभी वर्ड ऑफ ऑर्डर हमने फॉलो किया, दैट इज दिस फॉर असर्टिव सेंटेंसेस, राइट. अब इस केस में देखिए क्या होता है, आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को जो है स्विच कर देते हैं, यानी कि सब्जेक्ट की जगह आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आपका सब्जेक्ट आ जाता है. तो यानी कि आपका जो ये सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है. तो यहाँ पर सेंटेंस आपका क्या बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा am, ठीक है, देन आएगा सब्जेक्ट I, ठीक है, देन आपका होगा प्लेइंग जो आपका मेन वर्ब है, एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद में आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना होता है, क्लियर, ठीक है. अब ये तो था एक तरीका. दूसरा तरीका क्या है, जब आप डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड्स का यूज करते हैं, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ करते हैं, जिसमें मल्टीपल आपके वर्ड्स आते हैं जो कि आपने पढ़े होंगे, जैसे कि हो गया व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, ठीक है, और भी इसके अलावा काफ़ी होते हैं, ठीक है. मेन जो है आपके ये है, तो इनको यूज़ करके जब आप यूज करते हैं सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं, तो इस तरीके से भी जो है सेंटेंस आपका फ्रेम किया जा सकता है. तो एक बार जो है हम सेंटेंस को कन्वर्ट करके देख लेते हैं. तो सेंटेंस क्या है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो सेंटेंस आपका क्या हो सकता है, व्हाट एम आई प्लेइंग, मैं क्या खेल रहा हूं, राइट. जब आप डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो उस केस में जो है आप ऑब्जेक्ट्स का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है. तो यानी कि आपके सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो ये यहाँ पर जो है आपकी करेक्शन है, ठीक है. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है बाद में आया है और हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आया है, तो अगेन आपका जो है यहाँ पर करेक्शन होगा, थोड़ा सा जो है करेक्शन होगा. लेट्स करेक्टेड फर्स्ट, फिर ही जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है. इसको भी हटा देते हैं, यहाँ पर ये भी करेक्ट होगा, ठीक है. तो क्या आएगा, पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन आपका आएगा सब्जेक्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है. जब आप ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, जब भी आप सेंटेंस में अपने डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स को यूज करेंगे, तो जो आपने ऑब्जेक्ट लगाया है वो आपका सेंटेंस से हट जाता है. सो दिस विल बी द रूल दैट वुड बी फॉलोड फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. अब इसके अलावा एक और है आपका, दैट इज नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, राइट. तो एक बार जो है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी समझ लेते हैं फटाफट से. तो दोनों का ही मिक्सचर है, नाम से ही जैसे कि पता चल रहा है, यानी कि आपको जो है क्वेश्चन लिखना है जिसमें आप किसका यूज करेंगे, आप यूज करेंगे नॉट का, राइट. अब फटाफट से एक बार पहले जो है हम नेगेटिव सेंटेंस का जो है रूल लिख लेते हैं, या नेगेटिव सेंटेंस ही लिख लेते हैं. तो आपका नेगेटिव सेंटेंस क्या था, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, राइट. ये आपका था सेंटेंस नेगेटिव का.
अब इसी को ही हम जो है इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे. तो इंटरोगेटिव के लिए आपको क्या करना होगा, इंटरोगेटिव में हम क्या कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब को जो है और सब्जेक्ट को हम क्या कर देंगे, स्विच कर देंगे. तो ये यहाँ पर आ जाएगा एंड ये यहाँ पर आ जाएगा. जो बाकी का आपका रिमेनिंग है सेंटेंस वो सेम ही रहेगा. तो ये क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस, दैट इज एम आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल. तो क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा. सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, तो अब इसका रूल लिख लेते हैं. साफ साफ रूल क्या दिख रहा है, देखिए हमने क्या किया, स्विच कर दिया सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को. तो पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, राइट. उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आएगा, मेन वर्ब. ठीक है, तो ये आ गया आपका मेन वर्ब. मेन वर्ब के बाद आगे क्या है, और मेन वर्ब से पहले क्या है, नॉट का भी हमने यूज किया है. ठीक है, तो नॉट फिर जो है आपका यहाँ पर मेन वर्ब आ गया. मेन वर्ब के बाद आगे क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट. तो हम ऑब्जेक्ट को भी लिख देते हैं. सो दैट इज हाउ जो है ये आपका रूल रहेगा. और क्वेश्चन मार्क को लगाना नहीं भूलना है. क्लियर, आई होप सबको जो है क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी क्या रूल रहता है. ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे के कुछ रूल्स को हम कवर करते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज इम्पॉर्टेंट रूल फॉर परफेक्ट टेंसेस. सो परफेक्ट टेंसेस के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, तो उनको भी हम कंसिडर करते हैं, जान लेते हैं. एक चीज़ जो है हमेशा आपको ध्यान रखनी है, अब टेंसेस से रिलेटेड जो है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, आपका स्पॉटिंग द एरर से रिलेटेड आ सकता है, गैप फिलिंग से रिलेटेड आ सकता है, या फिर क्लोज टेस्ट से रिलेटेड आ सकता है. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन के फॉर्म में भी आपके टेंसेस से क्वेश्चन बनकर आ सकता है. जो आपको एक जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि जो भी आपका सेंटेंस आपको दिया हुआ होगा, ठीक है, सब जो है सेंटेंस के फॉर्म में ही आएंगे, चाहे वो चूज द करेक्ट हो या स्पॉटिंग द एरर हो या फिर आपका गैप फिलिंग का हो. ठीक है, तो इन सब में जो है सेंटेंस की फॉर्म में आएगा, राइट. आपको जो हमेशा चीज़ पहले, सबसे पहले जो कंसिडर करनी होती है कि जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कौन से टेंस में है, उसको जो है सबसे पहले रिकग्नाइज करना होता है. ऑलमोस्ट आपने ये रूल जाना होगा कि जो आपका पर्टिकुलर टेंस होता है, ठीक है, एक ही टेंस में आपको पूरा सेंटेंस जाता है. अगर पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट का जो है टेंस रहेगा, प्रेजेंट की हो रही है तो प्रेजेंट का टेंस रहेगा, राइट. अब कहीं कहीं ऐसे सिचुएशंस होती हैं कि जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि सिमिलर जो है टेंसेस का यूज़ होता है, बट कहीं कहीं क्या होता है, डिफरेंट टेंसेस का भी यूज़ हो जाता है एक ही सेंटेंस में. तो उस केस में क्या करें, उस केस के लिए जो है आपका ये इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं फॉर परफेक्ट टेंसेस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंट. प्रेजेंट वाले से हम स्टार्ट करते हैं. तो प्रेजेंट वाला जो टेंस है, ठीक है, उसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं. एग्जाम्पल है कि आपको ना सेंटेंस लिखना है इंग्लिश में. मैं आपको हिंदी का सेंटेंस दे रही हूँ कि मैंने अपना काम कर लिया. ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया. इसको जो है आपको किस में लिखना है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है. तो इसका क्या जो है करेक्ट सेंटेंस बनेगा, थोड़ा सा आप टाइम लीजिए, सोचिए क्या हो सकता है. मैंने काम कर लिया, या मैं बोलूँ मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, राइट. तो सेंटेंस देखिए इसका क्या बनेगा, सिंपल सा, दैट इज आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट. ठीक है, ये आपका सेंटेंस है, राइट. अब मैं आपको अगर बोलूं कि आपको सेंटेंस लिखना है कि मैंने अपना प्रोजेक्ट सितंबर में ख़त्म कर लिया. ठीक है, मैंने अपना प्रोजेक्ट जो है सितंबर में पूरा कर लिया, राइट. तो इसको जो है आपको लिखना है. तो अब ये सेंटेंस आपका क्या बनेगा, सितंबर में आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, राइट. तो सितंबर में ही हो चुका था, तो यहाँ पर सेंटेंस आप क्या लिखेंगे, दैट वुड बी आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट
नहीं यहाँ पर आई हैड कंप्लीट नहीं होगा, आई कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट इन सेप्टेम्बर, राइट। दोनों जो सेंटेंसेस हैं इनमें देखिए एक्शन एक ही है, क्या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, राइट। एक बोला है क्या कि मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, एक है मैंने अपना प्रोजेक्ट सितंबर में कंप्लीट कर लिया, राइट। दोनों में डिफरेंस है किस चीज का, टाइम का, राइट। फर्स्ट सेंटेंस में जो है मैंने टाइम को मेंशन नहीं किया, है ना। तो जब आप किसी भी एक्शन में टाइम को कंसिडर नहीं करते और वो पास्ट का हो, ठीक है, परफेक्ट टेंस जो है आपका एक तरह का क्या है, पास्ट, पास्ट के एक्शन के लिए ही यूज किया जाता है। फॉर से आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क या आई हैव डन माय वर्क, हम बोलते हैं कि मैम हमारा काम हो चुका है, राइट, हमने अपना काम कर लिया, आई हैव डन, ठीक है। तो आपका जो ये एक्शन है ये एंड हुआ, राइट। और कोई भी टास्क जब एंड हो जाता है तो वो धीरे धीरे किस में चला जाता है, पास्ट में। एक है आई एम कंप्लीटिंग माई प्रोजेक्ट, राइट, आई एम डूइंग माई वर्क हो गया या, राइट, तो वो प्रोग्रेस में है, यानी कि करंट मोमेंट में। अभी आप मुझे सुन रहे हैं, टेंसेस समझ रहे हैं, बट एक टाइम आएगा जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। कहने को वो चाहे आज की बात हो रही हो, तो परफेक्ट टेंस एक तरह का क्या है, पास्ट को शो करता है, राइट। अब दोनों सेंटेंसेस में देखिए, पहले सेंटेंस में क्या है, टाइम मेंशन नहीं है। दूसरे सेंटेंस में मैंने जैसे ही टाइम मेंशन किया तो आपका जो वर्ब है वो भी चेंज हो गया। तो रूल नंबर वन आपका क्या कहता है, रूल नंबर वन कहता है कि जो परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इट क्लैशेस विद व्हाट, सिंपल पास्ट, ठीक है। तो सिंपल पास्ट और आपका प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट से जो है एक रिलेशन है। और क्या रिलेशन है कि अगर किसी भी तरह का टाइम मेंशन होगा, टाइम कौन सा होना चाहिए, आपको पास्ट का होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। वो हो सकता है प्रेजेंट का पास्ट हो, ठीक है। टाइम अगर आपका मेंशन है, राइट, और पास्ट की बात हो रही है तो वहां पर आप जो है सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पास्ट की ही बात हो रही है, सितंबर, अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, तो हमारा हो गया, राइट, सितंबर में पिछले मंथ ही। अब प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए क्या है, जब भी किसी भी सेंटेंस में पास्ट के एक्शन की बात हो रही होगी, यानी कि मैंने अपना काम कर लिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आप जो है परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। आई होप सबको जो है क्लियर हो गया होगा ये। अब कुछ जो है हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला है शी ग्रू सम वेजिटेबल्स इन हर गार्डन, क्या बोला है, शी ग्रू सम वेजिटेबल इन हर गार्डन, राइट। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चीज, टेंसेस में आपको क्या देखना होता है, वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप वर्ब को चेक करेंगे। ये रहा आपका वर्ब, राइट। अब क्या बोला है, शी ग्रू सम वेजिटेबल्स इन हर गार्डन, तो ये क्या यहाँ पर टाइम मेंशन है, नहीं है। तो जहां पर भी टाइम मेंशन नहीं होता आप कौन से टेंस का यूज करते हो, वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट लगना चाहिए, यानी कि हैज हैव प्लस वी थ्री ये लगेगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, शी हैज ग्रोन, राइट, तो ये इसका करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से जो है आपके स्पॉटिंग द एरर आ सकता है, बट हम क्वेश्चंस जो है अभी बाद में प्रैक्टिस करेंगे, अभी जो है चीजों को समझ लेते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज इंडियन साइंटिस्ट हैज डन सो मेनी डिस्कवरीज लास्ट ईयर, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्ब चेक करना है, वर्ब ये रहा हैज डन, राइट। अब यहाँ पर क्या टाइम मेंशन है, टाइम मेंशन है दैट इज लास्ट ईयर, राइट। जब भी टाइम मेंशन होगा तो आप क्या लगाएंगे, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट एक ऐसा टेंस है जिसमें वी टू का यूज होता है, कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्शन होगी वो क्या होगी, दैट इज
डिड, क्या होगा, डिड का यूज होगा. नेक्स्ट इज आई सॉ देम देम इन द मॉल रिसेंटली. ठीक है, सॉ वर्ब को आप चेक करेंगे क्या टाइम मेंशन है. हाँ, रिसेंटली यहाँ पर लिखा है, यानी कि हाल ही में, राइट. तो यहाँ पर टाइम मेंशन है. टाइम जब आपका मेंशन होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट का यूज़ करते. आई सॉ देम इन द मॉल रिसेंटली. अब ये जो टाइम है, देखिए किसका है, प्रेजेंट का है या पास्ट का है. ठीक है, टाइम अगर मेंशन होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट. तो यहाँ पर वी टू लगा हुआ है, राइट. बट ये जो टाइम है, क्या ये आपका पास्ट का है, रिसेंटली मतलब हाल ही में, राइट, अभी थोड़ी देर पहले ही. तो रिसेंटली जो टाइम है ये किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट को. ठीक है, तो आपका जो टाइम है, जिस टाइम की यहाँ पर बात हो रही है, वो किस में होना चाहिए, पास्ट का टाइम होना चाहिए, राइट. तो यहाँ पर जो है क्या लिखा है, सॉ देम, तो यहाँ पर क्या होगा, करेक्शन होगी, आई हैव सीन देम इन द मॉल रिसेंटली. तो ये जो है आपकी करेक्शन होगी. आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ. नेक्स्ट रूल वी हैव इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए क्या होता है, इसमें आपका दो वर्ब का यूज होगा. ठीक है, किसका यूज होगा, दो वर्ब का यूज होगा. एक यहां पर मान लेते हैं हम वर्ब वन एंड वर्ब टू. ठीक है, तो इस सेंटेंसेस में क्या होता है, सिंस का भी यूज हो. ठीक है, सिंस का अगर यूज हो तो जो भी वर्ब आपका, ठीक है, जो भी वर्ब जो है आपका सिंस से जुड़ा हुआ होगा. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, जो भी वर्ब आपका किससे जुड़ा हुआ होगा, तो जो भी वर्ब आपका, ठीक है, मैंने क्या बोला, दो आपके वर्ब्स होंगे इसमें. ठीक है, और जो भी वर्ब आपका किससे जुड़ा हुआ होगा, सिंस से जुड़ा हुआ होगा. ठीक है, फर्स्ट से हम मान लेते हैं ये वाला वर्ब जो है, फर्स्ट वन, वी वन जो है सिंस से जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो भी वर्ब आपका सिंस से जुड़ा हुआ होगा, वहां पर जो आप टेंस लगाएंगे वो कौन सा होना चाहिए, सिंपल पास्ट का होना चाहिए. ठीक है, और जो रिमेनिंग है आपका, वहां पर कौन सा लगेगा, वहां पर आप पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे. क्लियर, यानी कि सिंस जहां से जुड़ा हुआ होगा, जिस वाले वर्ब से सिंस जुड़ा हुआ होगा, वहां पर आपको सिंपल पास्ट लगाना है. जो रिमेनिंग है वहां पर आप क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे. अब एग्जाम्पल से थोड़ा सा हम जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर सिंस का यूज है. ठीक है, सिंस का यूज है, वर्ब जान लेते हैं. एक वर्ब ये रहा हैज गॉन एंड एक है हैव नॉट सीन. ठीक है, तो ये वाला वर्ब जो है हैज गॉन, ये सिंस के साथ जुड़ा है, राइट. यहां पर ये देखो कॉमा लगाया हुआ है, यानी कि सेंटेंस को डिवाइड किया गया है. ठीक है, तो जो वाला वर्ब आपका सिंस से जुड़ा हुआ होगा वो किस में होना चाहिए, वी टू में होना चाहिए, सिंपल पास्ट में होना चाहिए, राइट. तो यहां पर जो आपकी करेक्शन होगी, करेक्शन क्या होगी, That is went. ठीक है, क्या आएगा, went आएगा. So since she went home, I have not seen her. Right? अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर present perfect लगना चाहिए, तो I have seen. ठीक है, have plus seen, यानी कि वी थ्री गिवस यू वॉट, परफेक्ट. ठीक है, तो ये जो पार्ट है आपका बिल्कुल सही है. अब नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट आपको क्या कहना है, सेंस को ढूंढा. ठीक है, फिर वर्ब को ढूंढो, डिड नॉट मीट. ठीक है, सेंस दिखते ही, मतलब सेंटेंस में अगर आपको सेंस दिख जाए, आपको देखते ही समझ जाना है कौन सा रूल लगेगा, राइट. तो यहां पर एक वर्ब है और यहां पर एक वर्ब है. सो जो भी सेंटेंस आपका सेंस से जुड़ा हुआ होगा वो किस में होना चाहिए, वी टू, राइट. ये सही है. यहां पर आ जाते हैं डिड नॉट मीट. ठीक है, अब यहां पर परफेक्ट लगेगा, इसमें क्या होगा, आई हैव नॉट, ठीक है, मीट, मेट, मेट, राइट. तो यहां पर देखो नॉट तो चेंज नहीं होगा, यहां पर डिड चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये किसका है, डिड कहां लगाते हैं हम, पास्ट होता है, डू डिड डन, राइट. तो ये गलत हो गया, तो क्या होगा, आई हैव नॉट मेट हिम. ठीक है, इसको पूरा लिख देती हूं, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट होम. नेक्स्ट है,
सिंस, अगेन सिंस देखिए, ठीक है, ज्वाइंट क्या है, वर्ब है, यहाँ पर डिड नॉट टेक क्या हुआ आपका वर्ब हो गया, राइट right? तो सिंस से जुड़ा हुआ वर्ब कौन सा है, ये है, राइट right? तो यहाँ पर सिंस में आप क्या लगाएंगे, वी टू, तो ज्वाइंट बिल्कुल सही है, राइट, ही डिड नॉट टेक, तो ये क्या है, यहाँ पर आपका करेक्शन हो गया, यहाँ पर डिड को आप हटाएंगे और टेक को जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में यूज करेंगे, राइट right? तो क्या हो जाएगा, ही हैज, राइट, हैज या हैव में से क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, एंड नॉट, हैज नॉट या हैजन जो भी लिखे, हैजन टेकन, टेकन जो है आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हुई टेक की, एनी ब्राइड, सो दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस, आगे चलते हैं, नेक्स्ट वी हैव इज पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए क्या होता है, इसमें भी आपके दो वर्ब्स होंगे, ठीक है, वर्ब वन एंड वर्ब टू, ठीक है, दो वर्ब होंगे, क्लियर, और आप देखेंगे कि इनका टेंस जो बनेगा वो आपका पास्ट का ही बनेगा, क्लियर, बट यहाँ पर देखिए क्या होगा कि जो ये वर्ब्स हैं, ठीक है, इनमें से एक पहले होगा और एक बाद में होगा, यानी कि साइमल्टेनियसली ये लोग अरेंज्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ कि मैं रूम में गई और मैंने लाइट्स ऑन की, राइट, अब टेंस देखिए क्या है, पास्ट का ही है, क्या बोला है, मैं रूम में गई और मैंने लाइट्स ऑन की, अब देखिए पहला टास्क क्या हुआ होगा, क्या लाइट्स को ऑन करना रूम की या फिर रूम में एंटर करना, रूम में एंटर करना, राइट, तो जो रूम में एंटर करने वाला जो वर्ब है आपका वो पहला एक्शन है, राइट, पहला एक्शन उसे कंसिडर किया जाएगा, और दूसरा क्या है, लाइट्स को ऑन करना, राइट, तो लाइट्स को ऑन करना इज सेकेंड एक्शन, तो जो भी वर्ब पहला या फिर पहला एक्शन कंसिडर किया जाएगा, फॉर से हम मान लेते हैं हमारा वर्ब वन जो है वो क्या है, एक्शन वन है, ठीक है, और वर्ब टू जो है आपका एक्शन टू है, राइट, तो इन दोनों में से जो पहले होगा, ठीक है, और एक जो है इसमें से जो बाद में होगा, दोनों के ही टेंसेस में जो है डिफरेंस होगा, अब डिफरेंस देखिए क्या होगा, जो पहला एक्शन आपका होगा यानी कि जो सबसे पहले होगा उसका जो आपका टेंस होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, कौन सा होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट, और दूसरा कौन सा होना चाहिए आपका, सिंपल पास्ट, ठीक है, अब इसको जो है आप एग्जाम्पल से समझ पाएंगे, चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, एज सून एज, ठीक है, एक और चीज यहाँ पर ना कुछ वर्ड्स का यूज होता है, ठीक है, एज सून एज हो गया या वेन, ठीक है, तो एज सून एज एंड वेन का यूज हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, वर्ब देखेंगे, आई एंटर्ड एक वर्ब है, ठीक है, और टीचर स्टार्टेड द क्लास, ये क्या है, दूसरा एक वर्ब है, राइट, तो पहले देखिए क्या बोला है, एज सून एज आई एंटर्ड द क्लास रूम द टीचर स्टार्टेड द क्लास, जैसे ही मैं रूम में एंटर करा मैंने, तो टीचर जो है क्लास स्टार्ट कर चुकी थी, राइट, ऐसा ही होगा, लेट जैसे हम जाते हैं टीचर हमसे पहले पहुंच जाती है, पढ़ाना शुरू कर देती है और फिर हम जब एंटर करते हैं, राइट, तो सबसे पहले इसमें से क्या हो रहा है, क्लास को स्टार्ट करना या फिर उसका क्लास में एंटर करना, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं कि उसने पहले एंट्री की फिर टीचर आई एंड फिर टीचर ने पढ़ाना शुरू करा, पहले टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया आकर एंड देन जो है मैंने एंटर किया, तो पहला एक्शन यहाँ पर क्या है, दैट इज स्टार्टेड, राइट, ये आपका क्या है, फर्स्ट एक्शन है, राइट, दूसरा एक्शन क्या है, आई एंटर्ड द क्लासरूम, राइट, ये आपका दूसरा एक्शन हो गया, तो हमने क्या सीखा, दूसरे एक्शन में हम क्या लगाएंगे, सिंपल पास्ट, और पहले में क्या करेंगे, पहले में हम लगाएंगे परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट देखिए क्या होगा, हैड प्लस वी थ्री, हैड प्लस वी थ्री होगा, तो यहां पर करेक्शन देखिए क्या होगा, हैड स्टार्टेड, ठीक है, क्या होगा, हैड स्टार्टेड, अब एज सून एज आई एंटर्ड, अब यहां पर देखिए क्या, सेकेंड एक्शन में आप क्या लगाएंगे, वी टू लगाएंगे, ठीक है, सेकेंड एक्शन में हम क्या लगाते हैं, वी टू लगाते हैं, और फर्स्ट एक्शन में हम क्या लगाते हैं, had plus v3, ठीक है, तो अब यहां देखिए क्या होगा, v2 है,
बिल्कुल सही है, किसी भी तरह की करेक्शन की नीड नहीं है. अब नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, माय मदर स्कोल्डेड मी व्हेन आई रीच्ड होम. ठीक है, स्कोल्ड करना, डांटना एक वर्ब है, राइट. रीच करना, पहुंचना घर पर, ये भी एक वर्ब है, राइट. तो ये एक एक्शन है और ये भी एक एक्शन है, राइट. तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, आप घर पहुंचे फिर आपको डांट पड़ी, या फिर आपको पहले ही डांट पड़ गई थी फिर आप घर पहुंचे. कायदे से तो जब मैं घर गया तब मुझे डांट पड़ी, राइट. तो पहले क्या हुआ, घर पहुंचना, तो एक्शन वन आपका ये है रीच, राइट. स्कोल्डेड, डांटना क्या है आपका, एक्शन टू है, राइट. तो एक्शन वन में हम क्या लगाते हैं, हैड प्लस वी थ्री. तो यहां पर क्या होगा, आई हैड रीच्ड, करेक्ट है, बरोबर है, बिल्कुल बरोबर है, ठीक है. और नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में आप वी टू लगाएंगे तो स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड, दोनों जो है सेम है, राइट. तो स्कोल्डेड जो है वो करेक्ट है, तो यहां पर किसी भी तरह की करेक्शन नहीं होगी. आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल नंबर टू और रूल नंबर थ्री की तरफ. अब इसमें भी देखिए क्या होगा, रूल नंबर टू को मैं जो है अभी बता रही हूँ आप सभी को. तो रूल नंबर टू में देखिए क्या होता है, अगेन यहाँ पर दो तरह के आपके वर्ब्स मेंशन होंगे, राइट. और यहाँ पर जो है आफ्टर वर्ड का यूज होगा. तो आप समझ जाना दो वर्ब्स हैं सेंटेंसेस, सेंटेंस में और आफ्टर वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है. आफ्टर को बाद में करते हैं, बिफोर का कर लेते हैं, ठीक है. एक ये है, ये तो आपका रूल नंबर टू है. रूल नंबर थ्री आपका क्या होगा, दो आपके वर्ब्स मेंशन है, ठीक है, और आफ्टर का यूज किया हुआ है, राइट. तो सेंटेंस में अगर आपको बिफोर दिख जाता है या आफ्टर दिख जाता है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का रूल नंबर टू या रूल नंबर थ्री लगेगा, ठीक है. तो अगर आपके सेंटेंस में दो एक्शन है, बिफोर के पहले भी एक वर्ब है, ठीक है, बिफोर के पहले एक वर्ब है, बिफोर के बाद में एक वर्ब है, ये V2 को हटा देते हैं क्योंकि इससे कंफ्यूजन होगी, ठीक है. हम लिखते हैं सीधा एक्शन, लिख लेते हैं A1 एंड A2, ठीक है. दो एक्शंस प्रेजेंट है, ठीक है, और बीच में बिफोर है. ऐसे ही दो एक्शंस प्रेजेंट है और बीच में क्या है, आफ्टर है, ठीक है. तो बिफोर के बिफोर आप क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट, ठीक है. उसके अलावा जो दूसरे है उसमें आप सिंपल पास्ट लगा देंगे, ठीक है. आफ्टर के आफ्टर आप क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट. आफ्टर के आफ्टर भी पास्ट परफेक्ट का यूज होगा. और जो रिमेनिंग एक्शन होगा आपका, जो भी होगा, वहां पर आप क्या लगाएंगे, सिंपल पास्ट, ठीक है. तो इसको भी जो है एग्जाम्पल से फटाफट से समझते हैं. तो यहां पर देख लिए, आपको आफ्टर नजर आ रहा है, यहां पर बिफोर नजर आ रहा है, ठीक है. तो वर्ब को भी जो है देख लेते हैं, कौन कौन से वर्ब है. एक है सॉ, यहां पर लिखा हुआ है, एक है स्टॉप्ड, ठीक है. वर्किंग भी देखिए आपको दिख रहा होगा कि वर्ब है, बट हम वर्किंग को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है. वर्किंग मतलब क्या हुआ, काम करना. तो ये जो वर्किंग वर्ड है ये क्या है, एक तरह का नाउन है, ठीक है. तो काम करना इज ऑल्सो अ थिंग, ठीक है. गाने गाना इज ऑल्सो अ थिंग. तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं आई एन जी वाले स्पेशली, जो नाउन की तरह भी एक्ट करते हैं. तो ये यहाँ पर वर्किंग जो वर्ड है वो भी उसी की ही तरह है, राइट. तो आफ्टर के आफ्टर आपको देखिए क्या लगाना होता है, हैड प्लस वी थ्री. आफ्टर के आफ्टर आपका क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट लगेगा, राइट. तो यहाँ पर क्या होगी, करेक्शन होगी, क्या हो जाएगा, आई हैड सीन हर, ठीक है. आई हैव सीन हर. अब यहां पर आ जाइए, यहां पर क्या है, स्टॉप्ड वर्किंग, बिल्कुल सही है, किसी भी तरह की करेक्शन नहीं होगी. नेक्स्ट है, शी आस्क्ड माय नेम बिफोर शी लेफ्ट, राइट. तो बिफोर के बिफोर क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट, ठीक है. तो क्या होगा, हैड प्लस वी थ्री. तो शी हैड आस्क्ड, ये जो है आपका करेक्ट सेंटेंस होगा, ठीक है. ये यहां पर जो है करेक्शन होगी. और बिफोर जो भी रिमेनिंग है, ठीक है, जो बिफोर के बाद आ रहा होगा वो किस में होना चाहिए, सिंपल पास्ट, दैट इज वी टू. तो ये जो है वी टू में ही है, राइट. तो यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर पास्ट परफेक्ट के केस में आप क्या लगाते हैं, हैड प्लस वी थ्री,
राइट, यहाँ पर भी यही होगा, हैड प्लस वी थ्री और जो रिमेनिंग है उसमें आप वी टू का यूज करेंगे. क्लियर है? आई होप सबको समझ में आ गया होगा. आगे चलते हैं. आगे वी हैव इस फ्यूचर परफेक्ट. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट के भी जो हैं आपके दो रूल हैं. पहला हम रूल समझ लेते हैं. पहला रूल है सेंटेंसेस को समझते हैं. ठीक है, बाय द एंड ऑफ द सेप्टेंबर वी विल कंप्लीट आर सिलेबस. ठीक है, मैं कोई ऐसे कमिटमेंट नहीं दे रही हूँ. ठीक है, तो जो सेंटेंस है दैट इज व्हाट, बाय द एंड ऑफ द सेप्टेंबर वी विल कंप्लीट आर सिलेबस. ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, वर्ब को जो है ढूंढ लेंगे. ढूंढ लिया वर्ब को, विल भी जो है मॉडल ऑक्सिलरी, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ वर्ब, बट हेल्पिंग वर्ब नहीं कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है, बाय द एंड ऑफ द सेप्टेंबर. ठीक है, क्या बोला है, बाय द एंड ऑफ द सेप्टेंबर, यानी कि सेप्टेंबर के अंत तक हम अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, वी विल कंप्लीट आवर सिलेबस. बट यहाँ पर ना ये जो हमने लिखा है वी विल कंप्लीट आवर सिलेबस, ये गलत है. ठीक है, यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं क्या लिख रखा है, ये हमने फ्यूचर इनडेफिनेट लगाया हुआ है, यानी कि सिंपल फ्यूचर का रूल लगाया हुआ है. राइट, उसमें भी क्या होता है आपका, विल या शैल प्लस वी वन, ये आपका किसका होता है, सिंपल फ्यूचर का रूल होता है. राइट, बट हम सिंपल फ्यूचर नहीं लगाएंगे यहाँ पर. जो आपका रूल जो कहता है, ठीक है, अगर आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, बाय द एंड ऑफ द, एंड ऑफ द यहाँ पर देखे कुछ भी हो सकता है, बाय द एंड ऑफ द मंथ हो सकता है, बाय द एंड ऑफ द 2023 हो सकता है, 2023 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, बाय द एंड ऑफ द वीक हो सकता है, या फिर बाय द एंड ऑफ द डे भी हो सकता है. राइट, तो यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर टाइम हो, यानी कि आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा हो, बाय द एंड ऑफ द, और जो भी पर्टिकुलर टाइम हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में आप क्या करते हैं, आपका जो वर्ब होता है, ठीक है, जो टेंस आप यूज करने हैं वो कौन सा होना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए. फ्यूचर परफेक्ट में देखिए क्या होता है, विल शैल, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी लगती है, और आप जो है हेल्पिंग वर्ब किसका लगाते हैं, प्रेजेंट का ही, जो कि क्या है, हैव है, हैज का यूज नहीं होता है, और वी थ्री. राइट, तो यहाँ पर जो आपकी करेक्शन होगी वो क्या होगी, विल देखिए लगा हुआ है. राइट, यहां पर क्या हो जाएगा, विल हैव, ठीक है, कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड. तो ये सेंटेंस आपका क्या बना, बाय द एंड ऑफ द सेप्टेंबर वी विल हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस. ठीक है, यानी कि देखिए एक तरह से क्या बोला गया है कि फ्यूचर में जो है, जो अपकमिंग डेज होंगे सेप्टेंबर में, उसमें जो है हम अपना काम कंप्लीट कर चुके होंगे. राइट, तो यानी कि काम कंप्लीट होगा. काम जब कोई कंप्लीट होता है तो वहां पर आप क्या यूज करते हैं, परफेक्ट. और यहां पर जो टाइम बोला गया है, कौन से टाइम की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है. राइट, अपकमिंग मंथ की. वैसे तो अभी अक्टूबर चल रहा है, बट एज एन एग्जाम्पल हम मान के चले कि अभी सेप्टेम्बर का 2 या 3 सितंबर डेट है. राइट, तो उसके एंड तक हम कंप्लीट कर लेंगे, तो फ्यूचर टाइम है और एक टास्क भी एंड होने वाला है. तो दैट्स द रीजन व्हाई यहाँ पर जो है हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. नेक्स्ट आपका सेंटेंस, अगर मैं आपको बोलूँ सेंटेंसेस को ही जो है फ्रेम करते हुए समझ पाओगे. नेक्स्ट है, बाय द टाइम we will complete our project we will get the leaves
बोनस लिख लेते हैं, वी विल गेट द बोनस, ठीक है राइट. तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, वर्ब ढूंढिए, वर्ब कौन सा है, विल कंप्लीट, एंड नेक्स्ट क्या है, वी विल गेट, राइट. तो दो वर्ब हैं आपके, बिल्कुल सही राइट. ये आपका क्या है, वर्ब वन, एक्शन वन मैं इसको लिख रही हूँ, और इसको एक्शन टू कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है. चलो वी वन वी टू लिखूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन से वर्ब की फॉर्म की यहाँ बात हो रही है, ठीक है. तो यहाँ देखिए क्या बोला है, बाय द टाइम वी विल कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट, राइट. तो जो भी वर्ब आपका, ठीक है, जो भी वर्ब आपका बाय द टाइम के बाद आ रहा होगा, किसी भी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस आपका अगर शुरू हो रहा है इससे, दैट इज बाय द टाइम, ठीक है, उसके साथ में जो भी वर्ब होगा राइट, उसका जो टेंस आपका होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है. क्या होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पर या तो V1 लगेगा या फिर V5 लगेगा, यानी कि S और ES वाला, ठीक है, समझ आया. अब नेक्स्ट जो है आपका, जो दूसरा आपका वर्ब है, वहां पर आप क्या लगाएंगे, वहां पर आप लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट, कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट का टेंस आप यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर है. तो यहाँ पर करेक्शन क्या होगी, करेक्शन भी फटाफट से कर लेते हैं. सो वी विल कंप्लीट, ठीक है, क्या होता है सिंपल प्रेजेंट में हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, वी यूज वी वन और वी फाइव, ठीक है. वी फाइव क्या है, सिंगुलर है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है. यहाँ पर क्या है, वी है, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो करेक्शन है वो क्या होगी, वी कंप्लीट, ठीक है. सो बाय द टाइम वी कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट वी विल, अब यहां पर देखिए क्या है, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के केस में आप क्या लगाते हैं, वी यूज विल और शैल प्लस हैव प्लस वी थ्री, राइट. तो यहां क्या होगा, विल शैल, विल लगा हुआ है, ठीक है, यहां पर हैव भी आप लिखेंगे, वी विल हैव, ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है, गेट, ठीक है, तो गेट का क्या होगा, गेट गॉट, और क्या होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है. तो बेसिकली आप क्या करते हैं, जो भी आपका रिमेनिंग वाला होगा, ठीक है, जो रिमेनिंग आपका वर्ब होगा वो कौन से टेंस में होना चाहिए, आपका फ्यूचर टेंस में, ठीक है. तो क्या होगा, देखिए गॉट भी हो सकता है, गेट का क्या हो सकता है, गॉट भी होगा, गॉटन भी होगा. सो वी विल हैव गॉट, यहां पर क्या होगा, वी विल हैव गॉट या गॉटन, जो भी है, वी विल हैव गॉट बोनस, हमें जो है बोनस मिल जाएगा, ठीक है. जैसे ही हमारा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, बाय द टाइम वी कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट, जैसे ही हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे वैसे ही हमें जो है बोनस मिल चुका होगा, ठीक है. अब इनको जो है कुछ और एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं. जैसे कि पहला सेंटेंस है यहाँ पर, बाय द एंड ऑफ द जून वी विल कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट, तो ये सेम ही है, सिमिलर ही है राइट. तो यहाँ पर क्या है, बाय द एंड ऑफ द वर्ड यूज किया गया है, तो यहाँ पर जो आप लगाएंगे टेंस वो कौन सा लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट का, दैट इज व्हाट, विल शैल हैव प्लस वी थ्री, तो यहाँ क्या होगा, वी विल हैव कंप्लीटेड, ठीक है, ये आपका हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन विल लीव, ठीक है. बाय द टाइम के साथ में एक वर्ब ये है और दूसरा वर्ब क्या है, विल लीव है राइट. तो बाय द टाइम के साथ में जो भी वर्ब होगा वो किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में. तो वी वन है, ये बिल्कुल सही है, कोई करेक्शन की नीड नहीं है. द ट्रेन विल लीव, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, विल हैव प्लस वी थ्री, सो विल हैव, विल हैव लेफ्ट, सो दिस वुड बी द करेक्शन फॉर दिस, ठीक है. तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपके जो है सभी परफेक्ट टेंसेस के रूल खत्म हो जाते हैं. अब जो है हम कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, लेट्स सॉल्व देम एंड
जानते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके CUET एग्जाम में इससे रिलेटेड आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस को जो है हम देख लेते हैं. तो क्वेश्चन यहाँ पर पहला आपका है, आई केम टू नो दैट हिज फादर हैज डाइड 3 years ago. अब यहाँ पर देखिए कुछ थोड़ा सा मिसिंग है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, करेक्शन कर लेते हैं. तो यहाँ पर जो है came to know होगा, ठीक है. तो आपको देखो इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे. ये आपका स्पॉटिंग द एरर वाले क्वेश्चन हैं. कुछ स्लॉट के जो एग्जाम्स हैं इंग्लिश के, उसमें जो है आपके स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन आए थे, एंड कुछ ऐसे थे जिसमें नहीं आए थे. सो इट cannot be predicted कि क्वेश्चन इस तरह का आएगा या नहीं आएगा, बट वी हैव टू बी केयरफुल, राइट. अगर टेंसेस से आपके क्वेश्चंस बनकर आते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, ये पूरा सेंटेंस दिया हुआ है एंड इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. अब आपको देखिए क्या करना है, आपको या तो पूछा जा सकता है कि इनमें से जो पार्ट है वो कौन सा इनकरेक्ट पार्ट है, कहाँ पर मिस्टेक है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है. फॉर से मैंने कह दिया कि सेकेंड पार्ट में गलती है तो मैं सेकेंड पार्ट को चूज करूंगी. दूसरा जो तरीका हो सकता है उसमें क्या होगा, आपको जो है जो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, इनके लिए करेक्शन दी हुई होगी. क्या करेक्शन होगी, जैसे कि यहाँ लिख दिया हिज फादर डाइड, ठीक है. तो जो ऑप्शन में दिया होगा आपको वो सिलेक्ट करना है. तो इस सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसमें करेक्शन होगी, उसमें एरर है. एंड इन क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम स्पॉटिंग द एरर, ठीक है. अब देखिए यहां पर क्या बोला है, आई केम टू नो दैट, मुझे ये पता चला कि उसके फादर की डेथ जो है वो 3 दिन पहले हो गई थी, राइट. यही इसका मीनिंग है सेंटेंस का, राइट. अब देखिए यहां पर जो मैंने आपको रूल बताया था, पास्ट का देखो इवेंट है, 3 days ago यानी कि पास्ट की बात हो रही है. यहां पर आप देखेंगे कि टाइम जो है वो मेंशन है. क्या है, टाइम यहाँ पर मेंशन है, दैट इज 3 days ago. अगर यहाँ पर 3 days ago नहीं लिखा होता, आई केम टू नो दैट हिज फादर हैज डाइड, सिर्फ इतना ही सेंटेंस होता तो यहाँ पर किसी भी तरह का एरर नहीं होता और आप जो है नो एरर ऑप्शन को चूज करते, ठीक है. अगर किसी क्वेश्चन में आपको एरर नहीं मिलता है तो आप नो एरर वाला ऑप्शन जो है चूज करते हैं. तो यहाँ पर देखिए क्या है, टाइम मेंशन है ना, पास्ट का टाइम मेंशन है. तो हमने सीखा था कि अगर कोई इवेंट पास्ट का है और उसमें टाइम मेंशन है तो वहां पर जो आप रूल लगाएंगे वो किसका लगाएंगे, आप सिंपल पास्ट का लगाएंगे. एंड सिंपल पास्ट में देखिए क्या होता है, सिंपल पास्ट में हम V2 लगाते हैं, दैट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यही लगाते हैं, राइट. तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ब, ये रहा आपका वर्ब और यहाँ क्या लिखा है, हैज डाइड, ठीक है, हैज डाइड. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हैज नहीं यूज होगा, डाई का जो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा, डाइड ही होगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी डाइड ही होगा, ठीक है. तो आप जो है क्या बताएंगे आंसर, आंसर आप ये बताएंगे कि जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें जो है आपकी एरर है, ठीक है. एरर कौन से पार्ट में है, थर्ड पार्ट में. तो करेक्शन क्या होगा, करेक्शन भी मैं आपको बता देती हूँ, करेक्शन होगा यहाँ पर हैज डाइड की जगह क्या होगा, मैं ऊपर ही मेंशन कर देती हूँ, ठीक है, हैज डाइड की जगह यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डाइड लिखा जाएगा, राइट, ठीक है. इस तरीके से जो है आपको आंसर करना होगा. वैसे तो MCQ फॉर्मेट में होगा. अब दो तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए जो है हम बिना ऑप्शंस के क्वेश्चन को सॉल्व करें, मतलब इस तरीके से जो है हम प्रिपरेशन करेंगे कि आपको मतलब ढूंढना ना पड़े कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, आपको खुद जो है क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि इस वाले पार्ट में जो है एरर है. आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू विल फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बी अवार्डेड अ प्राइज. क्या बोला है कि जब आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले आओगे, ठीक है, तो आपको जो है क्या दिया जाएगा, प्राइज अवार्ड किया जाएगा, ठीक है. तो आपको इसमें बताना है कि कौन से वाले पार्ट में यहां पर एरर है. तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, सोचिए
और जो है बताइए कि यहाँ पर क्या जो है कौन सा पार्ट जो है उसमें एरर है. ठीक है, क्या बोला है, व्हेन यू विल फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम का जब आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा तब आपको प्राइस जो है दिया जाएगा. ठीक है, तो यहां पर ना देखिए, यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन यू विल फाइंड. ठीक है, ये आपको जो है फ्यूचर का दिख रहा है, राइट, यू विल बी अवॉर्डेड, एक ये है, राइट. अब आपको जो है फ्यूचर परफेक्ट का मैंने आपको रूल बताया था, पहला वाला रूल ही है. ठीक है, पहला वाला रूल आपका क्या कहता है, पहला वाला रूल आपका कहता है कि नहीं, सेकंड वाला है. ठीक है, सेकंड वाला रूल आपका क्या कहता है, जिसमें हमने सीखा था बाय द टाइम ही डैश एंड देन डैश, दो वर्ब्स से, राइट. अब यहां पर देखिए, वैसे तो व्हेन लिखा हुआ है बट वही रूल जो है एप्लीकेबल होगा. ठीक है, तो यानी कि जब दो एक्शंस प्रेजेंट हो, ठीक है, एक्शन वन एंड एक्शन टू, ठीक है, दोनों प्रेजेंट हो और इसके साथ में ना कुछ फ्रेजेस का भी यूज हो. ठीक है, फ्रेजेस हो सकते हैं बाय द टाइम, व्हेन, राइट, ये सब जो है अगर यूज किए जाते हैं, मतलब जो कंडीशन वाली चीजें होती है. ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, जो आपका पहला वाला एक्शन होगा, वर्ब जो होगा, वहां पर आप सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का. और जो दूसरे वाला होगा वहां पर जो है आप क्या लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट का रूल लगाएंगे, राइट. तो आपको यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर भी दो एक्शंस दिए हुए हैं. पहला एक्शन कौन सा है, दैट इज विल फाइंड. ठीक है, विल फाइंड जो है आपका क्या है, पहला एक्शन है. और दूसरा क्या है, will be awarded, right? तो यानी कि ये वाला जो है आपको कौन से टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट में, राइट. तो प्रेजेंट में इसको कन्वर्ट करेंगे, विल जो है यहाँ से हटा दिया जाएगा. तो एरर यहाँ पर कौन सा, फर्स्ट पार्ट में है. ठीक है, आगे देख लेते हैं सेकंड वाले पार्ट को भी, यू विल बी अवॉर्डेड. ठीक है, क्या बोला है, यू विल बी अवॉर्डेड. देखिए परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट टेंस में क्या होता है, परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं यू विल, सॉरी विल बी और शैल बी प्लस वी थ्री, राइट. हम किसका यूज करते हैं, विल, शैल. ठीक है, अब यहां पर देखिए बी लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं आप बी भी यूज कर सकते हैं या हैव भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, हमने जो है हैव वाला सीखा है, बी भी आप जो है यूज कर सकते हैं, दैट इज करेक्ट. ठीक है, फोर्थ पार्ट में जो है आपका कोई एरर नहीं है, किसमें है, फर्स्ट पार्ट में. ठीक है, सो जो आपका एरर है, आंसर इज फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में जो है आपका क्या है, एरर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, निशा हैड टेलीफोन्ड द पुलिस. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड है, क्या, बिफोर. बिफोर दिखते ही समझ जाओ आपको कौन सा रूल लगाना है, आपको पास्ट परफेक्ट के सेकंड वाला रूल लगाना है, राइट. जिसमें हमने क्या सीखा था कि बिफोर, कि बिफोर अगर कोई वर्ब है या कोई एक्शन मेंशन है, ठीक है, तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, वहां पर आप लगाएंगे पास्ट परफेक्ट. क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट लगाते हैं. ठीक है, उसके बाद में अगर कोई वर्ब है तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, दैट इज सिंपल पास्ट. ठीक है, कौन सा लगाएंगे, सिंपल पास्ट लगाएंगे. हमेशा ध्यान रखना है कि बिफोर के आगे जो होगा, जो भी एक्शन अगर प्रेजेंट है तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट लगाएंगे. और उसके बाद में कोई भी होगा तो आपको क्या लगाना है, सिंपल पास्ट लगाना. ठीक है, बिफोर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर सेंटेंस में, इसके इस सेंटेंस में जो है हम वर्ब को देखते हैं कौन कौन सा है. एक तो है हैड स्टॉप्ड और एक है हैड टेलीफोन्ड. ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, बिफोर के बाद में अगर कोई भी है तो सिंपल पास्ट, उससे पहले अगर कोई है तो पास्ट परफेक्ट. ठीक है, अब यहां पर देखिए बिफोर के पहले तो कोई नहीं है, बिफोर के बाद में, बिफोर के बाद में जो भी आपका होगा वो किस में होना चाहिए, सिंपल पास्ट में, राइट. यहाँ क्या लिखा है, हैड स्टॉप्ड, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट लगाया हुआ है. हमेशा ध्यान रखना, नो मैटर क्या कंडीशन है, अगर बिफोर के जस्ट बाद में अगर कोई वर्ब है और वो
पास्ट परफेक्ट में है तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। यहां पर करेक्शन क्या हो जाएगी, आप लिखेंगे हैड स्टॉप रिंगिंग, ठीक है। अब दूसरे वाले वर्ब का क्या, आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि दूसरे वाले वर्ब का क्या, वहां क्या लगेगा, क्या वहां पर भी आप सिंपल पास्ट लगाएंगे? नहीं, देखिए बिफोर के बाद में ये जो कंडीशन लाई करती है वो किस केस में लाई करती है, नियरेस्ट जो भी एक्शन होगा उस केस में, ठीक है। नियरेस्ट देखिए इन दोनों में से कौन सा है, दोनों में से ये वाला है, राइट। अब यहां पर देखिए बिफोर यूज किया गया है, सेंटेंस का मतलब समझिए क्या है कि इससे पहले अलार्म जो है बजना बंद होता उससे निशा ने जो है वो पुलिस को फोन कर दिया था, यानी कि अलार्म बजने से अलार्म के रुक जाने से पहले ही निशा ने फोन कर दिया, राइट। तो जो बिफोर के आगे वाले ये जो हम पास्ट परफेक्ट जो हम लगा रहे थे, ये अब कंडीशन किसके लिए यूज की जाएगी, जो फार अवे वाला वर्ब होगा, राइट। यानी कि जो ये वाला वर्ब है आपका एक्शन टू, यहां पर आप क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट का रूल लगा देंगे। तो हैड टेलीफोन ये सही है, राइट। तो एरर जो है यहां पर इस क्वेश्चन में जो है एरर कहाँ है, दैट इज इन द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। एक बार फिर से जो है मैं आपको ये बता देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो है ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। हमने जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल समझा है बिफोर एंड आफ्टर वाला, ठीक है। कंडीशन ये लाई करती है कि बिफोर से नियरेस्ट जो वाला, जो नियरेस्ट वाला होगा आगे की तरफ और पीछे की तरफ, ठीक है। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये नियरेस्ट वाली कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, नियरेस्ट वाली कंडीशन में। तो बिफोर के आफ्टर जो है, जो नियरेस्ट होगा वहां पर आप सिंपल पास लगाएंगे, और जो रिमेनिंग वर्ब रह गया है, ठीक है, वो हो सकता है कि जो आपका पहला वर्ब है उसके बाद आ रहा हो, तो जो आप पहले वाले एक्शन के लिए जो आप रूल लगाते थे ना, यानी कि आप पहले वाले को बिफोर के बिफोर क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, तो जो आपका रिमेनिंग वाला वर्ब होगा वो किस में होना चाहिए, वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई आपका डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई सी सच एन इंटरेस्टिंग मूवी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो है आपको सर्टेन वर्ड्स जो मैंने आपको बताए वो आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, तो इस कंडीशन में क्या करें, देखिए लैंग्वेज में अगर आपको एक्सपर्टीज चाहिए तो आपको जो है ट्रांसलेशन आना चाहिए, यानी कि आप खुद से जो है मतलब उसका सेंटेंस को खुद निकालें, ठीक है। जरूरी नहीं है ऐसा कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली निकाल पाएंगे मीनिंग, आप बिल्कुल जो है हिंदी का ट्रांसलेशन करें, बिल्कुल एग्जैक्टली जो टेंस इंग्लिश में है वही आप हिंदी में लगाएं। आपको सिर्फ क्या करना है, सेंटेंस का मीनिंग निकालना है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है कि मैंने ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी देखी है, ठीक है। ये सेंटेंस किस पर हो रहा है आपका, देखी है पर, ठीक है। आपकी दो कंडीशन होती है, या कॉन्टिन्यूअस होती है या फिर क्या होती है, सिंपल पास्ट में क्या होता है, खाता है, जाता है, गाता है एंड ऑल, राइट। कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाता है, खा रहा है, गा रहा है, सो रहा है, राइट। परफेक्ट में क्या होता है, हमने अपना काम कर लिया है, देखा है, पहुंच चुका है, राइट। तो आप और है कोई भी टास्क, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन, सॉरी दैट आई सी सच एन इंटरेस्टिंग मूवी, ये पहली बार है जो मैंने इतनी इंटरेस्टिंग मूवी देखी है। यहाँ पर देखिए क्या है, टास्क जो है एंड हो रहा है, ठीक है, टास्क क्या है, एंड हो रहा है, और आपको क्या एनालाइज करना है कि ये टेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है का मतलब क्या है, आपको ये नहीं पता करना कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं, आपको सिंपल ये देखना है कि वो पास्ट में है, परफेक्ट पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, पास्ट प्रेजेंट में है, राइट। तो प्रेजेंट में है, और मैंने आपको बताया है कि जब कोई टास्क एंड हो जाता है किसी भी फेज में तो वो क्या होता है, परफेक्ट टेंस होता है, राइट। और यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो आपका टेंस लगेगा वो कौन सा लगेगा, दैट वुड बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। तो यहाँ पर आपको जो है क्या देखना है, अगेन वर्ब देखना है कौन सा, दैट इज आई सी सच, ठीक है, आई सी जो है इसमें देखना जो है क्या है,
सी जो है क्या है यहाँ पर वर्ब राइट. तो इसको जो है आपको किसमें कन्वर्ट करना है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस राइट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख रहे ठीक है. तो आई सी क्या हो जाएगा, आई हैव सीन. तो यहाँ पर करेक्शन क्या होगी, आई हैव सीन होगी. और जो एरर है आपका वो कौन से पार्ट में होगा, एरर आपका है थर्ड पार्ट में. इस सेंटेंस के थर्ड पार्ट में जो है आपका क्या है, एरर है ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेनेवर ही इज कमिंग हियर ही ब्रिंग्स मेनी गिफ्ट्स फॉर मी. देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि वो जब भी यहाँ आता है, मीनिंग देखना है, सीधा सिर्फ मीनिंग देखना है ठीक है. व्हेनेवर ही इज कमिंग हियर ही ब्रिंग्स मेनी गिफ्ट्स फॉर मी. वो जब भी यहाँ आता है वो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आता है राइट. पहला आपको क्या करना है, टेंस पता करो ठीक है. क्या करना है आपको, टेंस पता करना है कि ये कौन सा है राइट. फिर आपको क्या करना होता है, टाइप, बाद में टाइप भी आपको एनालाइज करना होता है. स्टेप बाय स्टेप करेंगे. पहला क्या है, टेंस, कौन से टेंस की बात हो रही है, ही ब्रिंग्स. ब्रिंग्स से आपको दिख रहा है एस और एस कहाँ आता है आपका, सिंपल प्रेजेंट में आता है वैसे तो राइट. बट यहां से हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट राइट. अब देखिए यहाँ क्या बोला है, व्हेनेवर ही इज कमिंग, वो जब भी आता है, यानी कि हर बार जब भी आता है वो गिफ्ट लेकर आता है राइट. और मैंने आपको बताया था जो हमारे टाइप्स और एस्पेक्ट्स होते हैं ठीक है. जो आपके टाइप्स हैं, यानी कि सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट. सिंपल पास्ट जो है पास्ट की हैबिट के लिए यूज किया जाता है, और सिंपल प्रेजेंट जो है प्रेजेंट की हैबिट्स के लिए यूज किया जाता है. यानी कि टाइप्स जो है वो हैबिट्स और रूटीन को जो है शो करता है ठीक है. अब नेक्स्ट आपका क्या, कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट. जो भी आपको पता है कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस के लिए, और परफेक्ट जो है कोई भी टास्क खत्म हो जाता है उसके लिए यूज किया जाता है ठीक है. तो सेंटेंस में देखिए यहाँ पर क्या है, एक हैबिट की बात हो रही है ठीक है. जब भी आता है तब लेकर आते हैं, यानी कि जितनी बार भी वो घर आता है वो लेकर आता है. सो दिस इज शोइंग व्हाट, दिस इज शोइंग द हैबिट ऑफ दिस पर्सन. इस पर्सन की क्या है, आदत है राइट. तो यहां पर जो आपका टाइप हुआ वो कौन सा हुआ, सिंपल प्रेजेंट हुआ. बिकॉज वी यूज सिंपल प्रेजेंट इन केस ऑफ अ हैबिचुअल एक्ट. हैबिचुअल एक्ट के लिए आप क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं. और तो डेली रूटीन हो गया या यूनिवर्सल फैक्ट्स जो होते हैं ना, उसके लिए भी आप क्या यूज करते हैं, वी यूज व्हाट, सिंपल प्रेजेंट. अब यूनिवर्सल फैक्ट क्या हुआ, जैसे कि जो अर्थ है वो क्या है, गोल है. दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट राइट. सन जो है वो ईस्ट से राइज करता है ना, ईस्ट से उगता है सन. कहीं क्या किसी के देश में ऐसा है जो वेस्ट से उगता हो, नहीं उगता राइट. तो ये यूनिवर्सल है, हर जगह एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेबल है, यही ट्रुथ है ठीक है. तो यूनिवर्सल फैक्ट के लिए भी यूज किया जाता है टेंस. तो यूनिवर्सल फैक्ट ये हो गया और हैबिचुअल एक्ट ये हो गया. तो इसके लिए जो है आप क्या यूज करेंगे, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस. जैसे कि सेंटेंस आपने सुना होगा, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. राइजेस मतलब क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट का यूज किया राइट. और सिंपल प्रेजेंट हम कहाँ यूज करते हैं, हम यूनिवर्सल फैक्ट के लिए यूज करते हैं ठीक है. तो इसलिए जो है हम द सन राइजेस यूज करते हैं सेंटेंस, ना कि इज राइजिंग या कोई और टेंस लगाते हैं ठीक है. तो यहाँ पर देखिए क्या है, दो आपके वर्ब है, एक यहाँ पर भी है, दैट इज कमिंग ठीक है. ये वाला तो पूरा करेक्ट है, इसमें कोई परेशानी नहीं है. नेक्स्ट क्या है, व्हेनेवर ही इज कमिंग, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस टेंस में. तो इसको जो है आपको करेक्ट करना होगा. करेक्शन क्या होगी यहाँ पर, व्हेनेवर ही कम्स, कम्स लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट जो है आपका क्या है, ही है. ही शी एंड इट के लिए हम क्या लगाते हैं, एस और एस, यानी कि वी फाइव यूज करते हैं. तो यहाँ पर जो आपका एरर है वो कहाँ पर है, दैट इज इन योर आंसर. आंसर मैं लिख देती हूँ, दैट इज इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में जो है आपका एरर है. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट है, नाउ अडेज ही टीचेस
English because the teacher of English has gone for a month's leave. ठीक है, या क्या बोले, सीधा ट्रांसलेट करो सेंटेंस को. पहले तो वर्ब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कहाँ कहाँ वर्ब यूज किया है. एक है हैज गॉन और दूसरा पेन यूज कर लो. एक है आपका हैज गॉन और दूसरा क्या है टीचर्स. ठीक है, ये दोनों वर्ब है. ठीक है, यहां पर क्या बोला है सेंटेंस को सीधा जो है आपको सिर्फ और सिर्फ मीनिंग निकालना, ट्रांसलेट भी नहीं करना. ठीक है, nowadays he teaches English. Nowadays का मतलब क्या होता है, आजकल. जैसे पूछते हैं ना, और what are you doing nowadays, आजकल क्या कर रहे हो, क्या बोला, आजकल क्या कर रहे हो, हम यही बोलते हैं. आजकल क्या करते हो तो नहीं बोलते, आजकल क्या कर रहे थे तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, और भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल, राइट, यही बोलते हैं. तो कर रहे हो सेंटेंस देखो क्या है, कॉन्टिन्यूस को शो कर रहे हैं, राइट. तो नाउअडेज जो वर्ड होता है ना, ठीक है, ये किसको शो करता है, करंट मोमेंट को शो करता है, प्रेजेंट के एग्जैक्ट करंट मोमेंट को शो करता है. भैया क्या कर रहे हो आजकल, कुछ नहीं, बस मौज कर रहे हैं, खुश है, राइट. तो यहाँ पर देखिए क्या है सेंटेंस, क्या कर रहे हो आजकल, तो यानी कि कॉन्टिन्यूस है ना, कॉन्टिन्यूस है. तो यहाँ पर जो वर्ब आपका होगा nowadays के साथ में, जो भी वर्ब आपका होगा वो किस में होना चाहिए, आपका कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए. ठीक है, तो इफ अ वर्ब इज बीइंग फॉलोड बाय nowadays, ठीक है, nowadays के बाद में जो भी आपका वर्ब होता है, दैट वर्ब शुड फॉलो द रूल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. देखिए यहाँ पर क्या है, कॉन्टिन्यूटी है. जैसे मैंने बोला भैया हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, राइट, तो अब भी प्रोग्रेस मतलब चल रही है. प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है कि आवर के बेसिस पर, कि अभी एक घंटे का लेक्चर हो गया फिर उसके बाद क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, राइट. बट जो हमारा काम है वो तो प्रोग्रेस में है ना, काम करना तो हमने एंड नहीं किया, पढ़ना तो हमने एंड नहीं किया. जैसे पूछ रहे थे और भाई क्या कर रहे हो, बस ट्वेल्थ ग्रेड में पढ़ रहे हैं, राइट. तो ट्वेल्थ ग्रेड में पढ़ने का टास्क आपका बोर्ड एग्जाम देने के बाद एंड होगा, राइट. ऐसे ही ये जो टीचर है जो इंग्लिश पढ़ा रहा है, ये तब तक पढ़ाएगा जब तक जो टीचर है वो अपनी लीव से वापस नहीं आ जाता, राइट. तो ये टास्क यहाँ पर क्या है, प्रोग्रेस में है. तो दैट्स द रीजन वाई यहाँ पर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया. अब देखिए आगे क्या है, बिकॉज द टीचर ऑफ इंग्लिश हैज गॉन फॉर अ मंथ्स लीव. अब देखिए यहाँ पर वर्ब का क्या होगा, क्या बोला है, आजकल वो इंग्लिश पढ़ा रहा है क्योंकि जो इंग्लिश का टीचर है वो लीव पर गया हुआ है, एक महीने की लीव पर गया हुआ है. ठीक है, गया हुआ है, ही हैज गॉन, मतलब उसका टास्क जो है. यहाँ पर आपको दो चीज देखनी है, टास्क कॉन्टिन्यूटी में है या नहीं है, नहीं है, राइट. कॉन्टिन्यूटी में नहीं है तो सीधा साफ बात क्या है, यहाँ पर परफेक्ट में, राइट. तो टास्क देखिए परफेक्ट यहाँ पर जो है यूज किया हुआ है, राइट. वो जा चुका है, यानी कि उसका जाने का जो टास्क था वो एंड हो चुका है, ही हैज ऑलरेडी गॉन और अब वो नहीं आ रहा है, राइट. तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है, यहाँ पर कोई करेक्शन नहीं होगी. तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, करेक्शन आपका सेकेंड पार्ट में होगा. यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउअडेज ही इज टीचिंग इंग्लिश. ठीक है, तो आपका जो है आंसर यहाँ पर क्या होगा, कि आपका जो है सेकंड पार्ट में क्या है, एरर है, उसके अलावा सब ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. वी विल लेट यू नो एज सून एज आई विल गेट एनी न्यूज इन दिस रिगार्ड. ठीक है, क्या बोला है कि हम तुम्हें बता देंगे, जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम तुम्हें बता देंगे. ठीक है, जैसे फ्रेंड्स में ही बात हो जाती है और मुझे ना टेंशन हो रही है इसके बारे में जो है, फटाफट से इन्फॉर्मेशन निकालो, तो दोस्त ने आपको बोल दिया, जैसे ही मुझे पता चलता है ना मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, वी विल लेट यू नो, बता दूंगा, कर लेंगे, जाऊंगा. ठीक है, तो दिस इज व्हाट सिंपल फ्यूचर, ठीक है, सिंपल फ्यूचर को शो करता है. नेक्स्ट क्या है आपका, विल गेट, एक ये वर्ब है,
राइट यहाँ क्या बोला है देखिए कि वी विल लेट यू नो, हम आपको पता चलने देंगे जैसे ही हमें कुछ खबर मिलती है. ठीक है, क्या है? मिलती है. अभी कौन सा टेंस हो सकता है? देखिए है पर एंड हो रहा है तो दैट इज प्रेजेंट है. जाता है, गाती है, सोती है, सोते हैं एंड ऑल, ये किस पर एंड होता है आपका? इसमें ये जो है कंसिडर किया जाएगा, दैट वुड बी कंसिडर इन सिंपल प्रेजेंट. तो आपका जो टेंस है वो कौन सा हो गया यहाँ पर? सिंपल प्रेजेंट. ठीक है, तो आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा जैसे ही मुझे कोई खबर मिलती है. तो यहाँ पर जो है आपका एरर है, राइट? तो थर्ड पार्ट में आपका एरर है क्योंकि यहाँ पर जो है क्या लगाया है, यहाँ पर भी सिंपल फ्यूचर लगा दिया, बट क्या आना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट, राइट? तो यहाँ क्या हो जाएगा? गेट आप लिखेंगे. क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट है, व्हेन आई विल क्रॉस 50 माय वाइफ विल क्रॉस 45. ठीक है, क्या बोला है कि जब मैं 50 का हो जाऊंगा तो मतलब क्रॉस 50 मतलब 50 को क्रॉस करता हूं तो माई वाइफ विल क्रॉस 45, यानी कि मैं जब 50 ईयर्स को क्रॉस कर लूंगा, यानी कि जब मेरी एज 50 से अबव हो जाएगी तो मेरी वाइफ की किससे अबव हो जाएगी? 45 से. ये मीनिंग है, राइट? यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर बोला है व्हेन आई विल क्रॉस 50, मैं जैसे ही, व्हेन का मतलब क्या हुआ? जैसे ही, राइट? जैसे ही मुझे खबर लगती है, वर्ड यूज करते हैं, राइट? व्हेन. ठीक है, तो जैसे ही मैं 50 का होता हूँ, 50 को क्रॉस करता हूँ, तो मेरी वाइफ जो है 45 की एज को क्रॉस कर लेगी, राइट? यही इसका ट्रांसलेशन बन रहा है. तो व्हेन जब कहीं पर भी आ जाता है, ठीक है, व्हेन दे विल रीच द स्टेशन, ठीक है, तो व्हेन जब यूज किया जाता है किसी फ्यूचर के रेफरेंस में, तो उस केस में देखिए क्या होता है, जो आपका व्हेन को फॉलो करने वाला वर्ब होता है, ठीक है, तो वो कौन से टेंस में होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट में. तो ये किस में होना चाहिए आपका? सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, बट ये किस में लिखा हुआ है? सिंपल फ्यूचर में, राइट? आगे क्या बोला है? माय वाइफ विल क्रॉस 45. तो जैसे ही मैं 50 की एज को क्रॉस करता हूं, वैसे ही मेरी वाइफ जो है 45 क्रॉस कर लेगी. ठीक है, तो यहां पर देखिए करेक्शन क्या होगी, आपका फर्स्ट पार्ट जो है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में जो है आपका एरर छुपा हुआ है, और यहाँ पर जो करेक्शन होगी वो क्या होगी कि यहाँ पर आप सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे तो विल यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट, लाइज देखिए एक है ये वो, दैट ही इज गेटिंग अप अर्ली goes to bed early. ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोला है कि उसकी सेहत का, अच्छी सेहत का राज क्या है कि वो जल्दी जो है सोने चला जाता है और जल्दी उठ जाता है, राइट? अब ये देखिए किस चीज को शो कर रहा है? हैबिचुअल एक्ट को, यानी कि इसकी आदत है डेली जल्दी सोने की और जल्दी उठने की, तो हैबिचुअल एक्ट को दिखा रहा है. हैबिचुअल एक्ट के केस में आप कौन से टेंस लगाते हैं? आप लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट, राइट? कौन सा लगाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट. तो ये जो वर्ब है आपका सिंपल प्रेजेंट में है. हाँ जी, बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्या है? ही इज गेटिंग, ये आपका कॉन्टिन्यूस में, ये वाला सिंपल प्रेजेंट में है. तो एरर आपका कौन से पार्ट में है? एरर आपका है थर्ड पार्ट में. ठीक है, थर्ड पार्ट में एरर है, तो करेक्शन क्या होगी? ही गेट्स, क्या हो जाएगा? ही गेट्स, ही शी इट के लिए हम क्या लगाते हैं? सॉरी, इस वाले वर्ब लगाते हैं. क्लियर? तो करेक्शन यहाँ पर क्या होगी? दैट इज दैट ही गेट्स अप अर्ली. क्लियर? आई होप सबको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो अ फिलोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमेन, ठीक है, बट अ मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वेमेन. ठीक है, यहाँ क्या बोला है कि जो फिलोजिनिस्ट होता है, जो पर्सन जिसे हम फिलोजिनिस्ट बोलते हैं,
वो कौन होता है जो वुमेन की तरफ अट्रैक्टेड होता है, दैट हु लव्स वुमेन, ठीक है, और जो वुमेन्स को हेट करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम मिसोजिनिस्ट, राइट। अब यहां पर देखिए क्या है, फैक्ट्स की बात हो रही है, ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट, क्यों, क्योंकि हम ऐसे पर्सन को फिलोजिनिस्ट और मिसोजिनिस्ट इसीलिए ही बोलते हैं। आप आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी जानेंगे फिलोजिनिस्ट का मतलब क्या है, आईएसटी कहीं पर भी आ गया, दैट इज अ पर्सन, फिलो मतलब लव, ठीक है, एंड जिन जो वर्ड है जी वाई एन, दैट शोज वुमेन, ठीक है, तो लव वुमेन पर्सन, सो अ पर्सन हु लव्स वुमेन इज फिलोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट क्या हुआ, मिसो मतलब हेट, जिन मतलब वुमेन, एंड आई एस टी यानी कि पर्सन, तो द पर्सन हु हेट्स वुमेन इज मिसोजिनिस्ट। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट के लिए आप कौन सा टेंस लगाते हैं, आप लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, कौन सा लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट। तो वर्ब देख लीजिए, एक लव्स यहां पर है और एक हु इज हेटिंग, ये एक वर्ब है, राइट। अब ये यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में है, बिल्कुल सही है, बट ये नहीं है, तो एरर यहाँ पर हो जाएगा, फोर्थ पार्ट में जो है आपका एरर है। अब करेक्शन यहाँ पर क्या होगा, वन हु हेट्स वुमेन, ठीक है, तो करेक्शन क्या होगी, वन हु हेट्स वुमेन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय दिस टाइम टुमारो शी हैज हैड रीच्ड देयर positively, क्या बोला है, that by this time tomorrow she has had reached there positively, ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कि कौन से वाले पार्ट में जो है एरर है, ठीक है, तो by this time या by the time, याद है फ्रेज कहाँ यूज हुआ, तो फ्यूचर परफेक्ट में यूज हुआ, यानी किसका यूज जो है आपको कहाँ, मतलब कौन सा आपको जो है टेंस लगाना है, फ्यूचर परफेक्ट लगाना है, इतना समझ गए। अब यहाँ पर जो है आपको वर्ब देखना है, एक हैज हैड ये है और रीच्ड ये है, ठीक है, तो फ्यूचर में आप क्या यूज करते हैं, विल हैव या शैल हैव, ठीक है, इसी का यूज करते हैं, प्लस वी थ्री का यूज करते हैं, तो परफेक्ट में तो देखो वी थ्री लगेगा ही लगेगा, तो इसमें आप कोई करेक्शन नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट आपका है सेकेंड पार्ट, तो बाय दिस टाइम टुमारो, इस टाइम कल जो है वो पहुंच जाएंगे, ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग भी देखो, बाय दिस टाइम टुमारो मतलब इस वक्त कल, ठीक है, वो पहुंच जाएगी, राइट, इसका मीनिंग यही है, पहुंच जाएगी, यानी कि फ्यूचर का यहां पर टेंस है, राइट, आपका टेंस यहां पर कौन सा है, फ्यूचर है, साफ पता चल रहा है, राइट, फ्यूचर का भी कौन सा है, यहाँ पर एक एक्शन खत्म होने की बात हो रही, एक होता कि जा रही होगी, शी विल बी रीचिंग, कि वो पहुंच रही होगी, तो ये क्या हुआ आपका, कॉन्टिन्यूस हुआ, राइट, बट यहाँ पर क्या बोले कि बाय दिस टुमारो, इस टाइम जो है वो कल पहुंच चुकी होगी, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, परफेक्ट, राइट, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज करते हैं आप यूज करते हैं विल और शैल, ठीक है, प्लस हैव प्लस वी थ्री, ठीक है, इसका यूज करते हैं, तो वी थ्री यहाँ पर लगा हुआ है, कोई करेक्शन नहीं होगी, करेक्शन कहाँ होगी आपकी, सेकंड पार्ट में होगा, ठीक है, तो सेकंड पार्ट में आपका एरर है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी विल हैव रीच्ड, ठीक है, तो ये जो है इस पार्ट में करेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, If I was you, I would have told the principal to keep his mouth shut. ऐसा मत करना, ठीक है, क्या है सेंटेंस, कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो I would have told, देखिए अब would जो है किसकी फॉर्म है, will की फॉर्म है, राइट, एक यहां पर वर्ब है, एक यहां पर भी वर्ब है was, ठीक है, If I was you, अगर मैं तुम होता, राइट, यानी कि तुम्हारी जगह होता तो मैंने प्रिंसिपल को अपना मुंह बंद करने के लिए बोल दिया होता, ठीक है, यही ट्रांसलेशन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, was का यूज किया गया है ना,
वॉज का यूज किया गया है और आपकी कंडीशन यहाँ पर जो है जिस टेंस को यूज शो कर रहा है ये फ्यूचर का है ना कंडीशन। तो एक आपका ना रूल होता है कि विश हो गया या कंडीशन हो गया, ठीक है। कंडीशन आपका क्या होता है यानी कि इफ, अगर आपका सेंटेंस इफ से स्टार्ट है और किसी कंडीशन को शो करता है यानी कि अगर ऐसा होता राइट, तो इफ वर्ड जो है कंडीशन को शो कर रहा है राइट। तो उसके साथ में आप जो वर्ब लगाते हैं वो कौन सी होती है, वर होती है, ठीक है। जैसे कि हम विश भी अगर करते हैं कि काश मैं एक डॉक्टर होती, विश आई वर अ डॉक्टर, ठीक है, क्या बोलेंगे, आई विश आई वर अ डॉक्टर, एक ये हो गया, ठीक है। ये तो आपके विश को शो कर रहे हैं। अब दूसरा कंडीशन का, He was a doctor. ठीक है, अब यहां देखिए क्या है, सब्जेक्ट आपका ही है राइट। तो ये जो वर वाली कंडीशन है ना, ये किस केस में यूज की जाती है, जब आपका सब्जेक्ट कौन सा हो, फर्स्ट पर्सन हो, दैट इज आई हो, ठीक है। तो यहां पर ही है तो ही के साथ देखिए वॉज ही लगेगा, बट अगर यहां पर होता, यहां पर आपका होता इफ I, if I was a doctor, I would have treated him for free. ठीक है, ये sentence है कि अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं इसका free में ही इलाज कर देता, मुफ्त में ही इलाज कर देता, right? तो ये condition को show कर रहे कि अगर ऐसा होता, तो इस case में क्या होता है, was का आप use नहीं करते हैं, किसका use करते हैं, were का, right? तो यहाँ पर देखिए क्या है, correction कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। तो if I were you, तो आपका जो एरर है वो कौन से पार्ट में है, आपका एरर फर्स्ट पार्ट में है, ठीक है। और इसके लिए कंडीशन क्या होगी, इफ आई वर यू, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी सेंटेंस में विश की बात हो रही हो या कंडीशन की बात हो रही हो और साथ ही में आपका सब्जेक्ट क्या हो सेंटेंस का, आई, तो उसके साथ में जो है आप क्या यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। बाकी जो आपका है वो फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और कुछ क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विद सीयूईटी वाला।